अब तक ट्रांसजेंडर्स पर बनी फिल्मों में हमने ट्रांसजेंडर वर्सेस वर्ल्ड की स्ट्रगल देखी है। अक्षत अजय शर्मा निर्देशित हड्डी हमें ट्रांसजेंडर्स की काली दुनिया में लेकर जाती है, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। फिल्म हमारा परिचय हड्डी नाम के एक किरदार से कराती है। अब इस किरदार का नाम हड्डी क्यों है, ये आपको फिल्म देखकर समझना पड़ेगा। हड्डी जो कि एक ट्रांसजेंडर है, वो एक पर्टिकुलर घराने में जिसको लीड करते हैं इंदर, उसमें अपनी पैट बना लेता है, लेकिन उसका मकसद है प्रमोद अहलावत नाम के खूंखार और लाशों का कारोबार करने वाले पॉलिटिशियन को नेस्तनाबूद करना। क्या हड्डी अपने इस मकसद में कामयाब होगा? फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। बेमतलब के टिपिकल हीरो टाइप रोमांटिक रोल्स करने के बाद फाइनली एक ऐसा चैलेंजिंग रोल नवाज के हिस्से आया है, और देखिए क्या कमाल का काम किया है उन्होंने। हड्डी के किरदार के दोनों ही रूप उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया है वो देखने लायक है। विलन की भूमिका में अनुराग कश्यप खतरनाक लगते हैं, विशेषकर इला और उनके साथ कन्फ्रंटेशन वाला वो सीन जिसमें वो एक मास किलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। बाकी किरदारों में इला अरुण और सौरभ सचदेव का काम उल्लेखनीय है, और अन्य कलाकार भी अपने अपने रोल्स में काफी जमे हैं। रोहन का BGM टॉप क्लास है, और कुछ गाने भी फिल्म के अनुरूप हैं। हालांकि संवाद दिलचस्प है, पर राइटिंग काफी इनकंसिस्टेंट है कई जगहों पर। फिर भी कहानी और सेटअप का नयापन और कुछ बढ़िया परफॉर्मेंसेस इस फिल्म को वर्थ वॉच बना देते हैं। हड्डी स्ट्रीम हो रही है Zee5 पर, और फिल्म की बात की रेटिंग इस फिल्म के लिए रहेगी 3 स्टार्स की।